चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने पापा के 13वीं पर दी भावुक श्रद्धांजलि। जी हां, भोजपुरी गायकी के सिरमौर पवन सिंह के फैंस के लिए एक बुरी खबर से जहां पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हिली पड़ी है, तो वहीं भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह के पिता रमा शंकर जी का पिछले शनिवार को रात 8 बजे आरा स्थित उनके अपने आवास में देहांत हो गया था। उनके पिता पिछले कई महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे। शनिवार को रात को उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस लिया। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा था। पवन सिंह की श्री पिता रामा शंकर का उनके पैतृक गांव जोहरी में उनका अंतिम संस्कार पवन सिंह ने अपने हाथों से पूरा किया। इसको लेकर भोजपुरी फिल्म उद्योग और उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस के बीच मातम बन के पसरा हुआ था। उन तमाम दर्शकों और भोजपुरी फिल्मों से जुड़े लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दुष्ट घड़ी में पवन सिंह को भगवान हिम्मत दे ताकि उनका हौसला मजबूत रहे। इस बड़ी दुर्घटना से पूरे देश का मातम बनकर पसरा हुआ है। पवन सिंह के पिता का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में ही अंतिम संस्कार पूरा किया गया और आज उनके 13वीं भी उनके गांव में पूरा कर लिया गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री से तमाम लोगों ने उनके पिता को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह के गांव जाकर उनके पिता को श्रद्धांजलि दिया और पवन सिंह ने के साथ उनके फैमिली से मिले और खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के परिवार के साथ दुख बांटा।